चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के टेस्टिंग रिपोर्ट की समीक्षा की तथा लखनऊ के KGMC में अब तक 1 लाख के टेस्टिंग किए जाने पर उसकी सराहना की। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने कहा कि जिले में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए जिससे संक्रमण को रोका जा सके। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित चिकित्सक मौजूद रहे। जो एक आगरा में घटना हुई, उसके बाद एक घटना KGMU में हुई, PGI में भी हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से प्रोटोकॉल को अनुपालित किया गया, आज काफी बड़ी तादाद में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारे पास KGMU में कोविड के साथ साथ लगभग 2000 की OPD भी है, इमरजेंसी और सेमी इमरजेंसी भी। इसी तरीके से हमारे पास कानपुर मेडिकल कॉलेज में कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ 1500 की एक इमरजेंसी सेमी इमरजेंसी OPD चल रही है। और तीसरा सबसे बड़ी भीड़ हमारे पास प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में है। प्रयागराज में भी 200 बेड कोविड अस्पताल के साथ लगभग 1200 ऑन एवरेज इमरजेंसी सेमी इमरजेंसी और सीरियस OPDs हैं, लाइक ऑब्स्टेट्रिक्स, उसमें ये एक चल रहा है इस समय। एक कुल मिला के इसमें एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी हमको कुछ पॉइंट्स पर और ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर जब जुलाई का सीजन आ रहा है, बारिश का सीजन आ रहा है, तो ऐसे सीजन में मेडिकल कॉलेजेस में जो संक्रामक रोग है, डेंगू है, सेंसिटाइटिस है, इसकी 365 है कैजुअलिटीज, उनके लिए तैयारी होनी है। हमने एक मीटिंग 5:30 रखी है, माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, उसको एड्रेस करेंगे, जिसमें हम केवल एंसेफ्लाइटिस के बारे में बात करेंगे और डेंगू के बारे में अगर किसी का कोई पॉइंट होगा। बाकी 5:30 तक हम लोग कोविड और नॉन कोविड, खासतौर पर कोविड के बारे में बात करेंगे। और इसमें इसके पहले की प्रेजेंटेशन हो, मैं डॉक्टर प्रजापति से कहूँ की प्रेजेंटेशन करें, और उसके बाद अमित गुप्ता जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो आगे इसको बढ़ाएंगे। मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को बता दूंगी जो इस समय गवर्नमेंट की प्राथमिकता जा रही है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक तरफ हम NCR में एक स्पेशल अभियान चलाने जा रहे हैं, और NCR में ये अभियान जो चल रहा है वहां पर 20-22% टेस्टिंग पर केस पॉजिटिविटी रेट आ रही है, और प्रदेश का जो एक्टिव केसेस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा NCR में, और इसमें अब जब ये ड्राइव चलेगा जिसमें हम एक लार्ज स्केल एंटीजन टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, लगभग 11,000 टेस्ट पर डे उसमें लगाने जा रहे हैं, तो ये जो इससे केसेस एमर्ज होंगे हमारे हॉस्पिटल्स पर भी फिर ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगी, और उसके लिए भी हमको सारी तैयारी करनी है। इसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं सेक्रेटरी लेवल के, वो दोबारा पुणे है, गाजियाबाद है, नोएडा है, मेरठ है, और वहाँ पे वो आपके कोविड हॉस्पिटल्स को भी विजिट करेंगे और आपकी तैयारियों को देखेंगे। जैसे अभी एक मेरठ में मेडिकल कॉलेज है जो जिसका नाम शायद अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मेडिकल कॉलेज हो गया है, 2 मशीन लेकर लगा दीजिए वहाँ पे, बहुत बड़ा आपका मेडिकल कॉलेज है। ये सब चीज़ें कोविड हॉस्पिटल में कंप्लीट हो जाए जिससे डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल रहे। इसमें ये सीनियर ऑफिसर सेक्रेटरी लेवल के भी जाएंगे, दास से लेकर झांसी, बांदा और इधर सहारनपुर तक जितनी भी बेंच है हर जिले में, वो मेडिकल कॉलेजेस को देखेंगे, प्राइवेट भी देखेंगे, पब्लिक भी देखेंगे, और उसमें इंस्पेक्ट करके एक क्रिटिकल एनालिसिस अपनी देंगे कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें सभी DMs के साथ में सभी प्रिंसिपल्स को भी रहना है, तो ये DC भी हमें लगता है ये NIC से ही होगी, तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं वो भी उस पर रहेंगे, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं वो भी उसमें रहेंगे, सारे प्रिंसिपल्स उसमें भाग लेंगे, और 52, और उसमें जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे वो आपके सामने होगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी एक भ्रमण किया जा रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को बरेली और मुरादाबाद मंडल का भ्रमण करेंगे, वेस्टर्न UP में बरेली और मुरादाबाद जाएंगे,
और वहां पर कई चीजों पे समीक्षा करेंगे जिसमें हमारे कोविड हॉस्पिटल्स भी होंगे। और इसी के साथ फिर वो सहारनपुर जाएंगे, फिर मेरठ भी जाएंगे 4 तारीख को, और उसके बाद 5 तारीख को वो बस्ती जिले में जाएंगे, और फिर उसके बाद गोरखपुर जाएंगे, और वहां गोरखपुर में फिर एक एनसेफेलाइटिस पर स्टेट लेवल मीटिंग भी होगी 5 तारीख संडे को, और 6 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये एक सघन भ्रमण चल रहा है और इसमें मेडिकल एंड हेल्थ पर खास तौर पर फोकस होगा। हमारे ओएसडीज भी लगे हुए हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और मैं जानता हूं कि आप लोग 2.5 महीने से अपने घर से दूर हैं, और आप लोगों का रिप्लेसमेंट भी हम लोग देख रहे हैं। और ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान खत्म होने के बाद एनी टाइम आफ्टर 8th of July हम आपका रिप्लेसमेंट देंगे, 2 शर्तों में। पहली शर्त ये है कि जो भी आप इस हॉस्पिटल को देख रहे हैं उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, 114 पॉइंट्स पे आपने उसकी समीक्षा की थी, उसको पूरी तरीके से ठीक कर दीजिए, दुरुस्त करवा दीजिए, और एक चार्ज नोट जो आप कीजिएगा तो स्थानीय ओएसडी आएंगे उनको दे दीजिए, सो दैट उन्हें मालूम हो कि आपने ये उसकी एनालिसिस की थी। एक सेट बना के उस मेडिकल कॉलेज के बारे में, कोविड हॉस्पिटल के बारे में, उसमें क्या क्या चीजें आपने देखी, उसका बेसिक डेटा क्या है और क्या चीजें हैं, चार नोट बना के अपने प्रतिस्थानी के लिए छोड़ दीजिए, सो दैट ही डजंट स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक। आपका प्रतिस्थानी आए तो उसको बेस नोट मिल जाए, डेटा मिल जाए। दूसरी चीज जो आपके साथ में डिप्टी सीएमओ लगे हैं, उनका नाम, टेलीफोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट नंबर और भी तमाम चीजें, उनकी ब्रीफिंग कर देंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब ओएसडीज आज के बाद जब भी हम रिकॉल करते हैं आपको, तो आपकी जगह जो लोग जाएंगे उसके पहले, क्योंकि आप फैमिलियर हो चुके हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से, उनमें कुछ लोग पैसिव क्वारंटाइन में होटल्स में गए थे, उनके भी बिल्स होंगे, जो जिलाधिकारी के मार्फत एनएचएम से उसका पेमेंट होना है, शासनादेश जारी हो गया है। आगे एक्टिव क्वारंटाइन के लिए भी हमको होटल्स लेने हैं, होटल वालों का ये कहना है कि हमारे बिल्स का पेमेंट नहीं हुआ है, तो आगे आनाकानी कर रहे हैं या सर्विस वो अपनी खराब कर देंगे, तो हम चाहते हैं उसका पेमेंट हो जाए, पैसा ऑलरेडी पहुंच गया है। तो जिलाधिकारी के मार्फत वो प्रपोजल्स आने हैं बिल्स वेरीफाई करके कि हाँ इतने लोग क्वारंटाइन में गए थे इस होटल में, उसके हिसाब से जो डीएम ने उसमें होटल के रेट तय कर रखे हैं उसके हिसाब से जिलाधिकारी अपनी संस्तुति भेजेंगे, पहली चीज ये, सेकेंड पॉइंट था। और दूसरा, जो कोविड हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चल रहे हैं उनका एक पैकेज आयुष्मान के ऊपर अभी स्वीकृत किया गया था, वो पैकेज भी जरा देख लीजिए, वो सीएमओस को दिया गया था, और उसके बाद वहां से संस्तुति होकर साजिस की जो सीईओ यहां पर लखनऊ में है उनके पास भेजा जा रहा है, इसको रिव्यू कर लें और उसको फिर बताएं, और इनके जो पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स वहां सीएमओ के मार्फत, और फिर ये यहां साजिस में भेजकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की संस्था है सीओ साजिस से उसके पेमेंट भी पैकेज के करा दें। और ये खास तौर पे जरूरी है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और गोरखपुर मंडलों के लिए, गोरखपुर में तो प्राइवेट कॉलेज नहीं है, जहां पर ये हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इनके पेमेंट शीघ्र किए जाए।